हाय गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ स्वीट कॉर्न सूप, क्योंकि गाइस विंटर्स आ चुके हैं तो सूप जूसेस अच्छे रहते हैं हेल्थ के लिए। तो चलिए आइए हम स्वीट कॉर्न सूप के इंग्रेडिएंट्स जल्दी से देख लेंगे। मैंने हाफ कप स्वीट कॉर्न्स लिए हुए हैं और मैंने हाफ कप बेबी कॉर्न्स लिए हुए हैं। ये मैंने 2 इंच अदरक और 5-6 कलियां लहसुन की बारीक बारीक चॉप करके रखी हुई है। ये मैंने इटालियन मसाला लिया हुआ है। ये देखिए मैंने वेजिटेबल स्टॉक बनाकर रखा है। इसमें मैंने हरी सेलरी और लेमन ग्रास, पानी में 2 कप पानी में मैंने हरी सेलरी और लेमन ग्रास डाल के इसको उबाल लिया है थोड़ी देर तक ढककर पैन में, और इसका मैंने वेजिटेबल स्टॉक तैयार कर लिया है। और ये मैंने हाफ कप छोटे छोटे पीसेस काट के गाजर रखी हुई है, और ये मैंने हरा प्याज, स्प्रिंग ऑनियन लिया हुआ है बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ है ऐसे, और ये मैंने ब्लैक पेपर ली हुई है, और ये मैंने सॉल्ट लिया हुआ है, सॉल्ट 1 TSP या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये मैंने स्पाइसी सालसा पास्ता मसाला लिया हुआ है सीजनिंग के लिए, और ये मैंने हरी सेलरी ली हुई है गार्निशिंग के लिए, और ये पार्सली लिया हुआ है गार्निशिंग के लिए, और ये मैंने 2 TSP कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है, और ये हाफ कप पानी लिया हुआ है। आप इससे कम भी, जैसा जितना कॉर्नफ्लोर हो उसके अकॉर्डिंग पानी एडजस्ट कर सकते हैं, और ये मैंने ऑयल लिया हुआ है। तो चलिए आइए अब हम स्वीट कॉर्न सूप बनाने की तैयारी करते हैं। ये मैंने पैन लिया हुआ है, गैस ऑन कर लेते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया है, फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब हम इसमें सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल आपको बहुत थोड़ा डालना है, एकदम 0% ऑयल। ये देखिए, ये मैंने 1 TSP ऑयल डाला है। ज्यादा ऑयल नहीं डालना है क्योंकि स्वीट कॉर्न सूप बन रहा है तो इसमें ज्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे ही ऑयल गर्म होता है ये हमारा ऑयल गर्म हो गया। ऑयल बस बहुत ही 0% 1 TSP डालना है, और बस ये मैंने जो बारीक अदरक लहसुन काट करके रखे हुए हैं छोटे पीसेस में, इनको मैं डाल दे रही हूं। देखिए, और इसे थोड़ी देर तक सौते करेंगे। लो फ्लेम पे ही करना। अब इसमें हम थोड़े सा हरा प्याज, ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे, और थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। तक इसे सौते कर लेंगे, इससे कच्चे अदरक और कच्चे लहसुन का जो एरोमा है वो निकल जाए। अदरक और लहसुन का एरोमा वो आने लगे। अब हम इसमें बाकी जो सब्जियां वेजिटेबल्स हैं, जो हमारी वेजेस हैं, उन्हें मिला लेंगे। ये हमने बेबी कॉर्न लिया है, इसे हम डाल देंगे। ये हमने कॉर्न लिया है, इसे डाल देंगे। स्वीट कॉर्न लिए, आप चाहें तो स्वीट कॉर्न ज्यादा भी डाल सकते हैं या कम भी डाल सकते हैं। ये हमने परी परी हाफ कप
गाजर ली हुई है इनको भी डाल देंगे। थोड़ी देर सौते करेंगे। ये देखिए अब हम इसमें ये जो हमारी ये जो मैंने 2 कप पानी में हरी सेलरी और लेमन ग्रास डाल के इस पानी को हमने उबाला था, बॉइल्ड कर लिया था। ये वेजिटेबल स्टॉकिंग डालेंगे इसमें हम। आप चाहें तो अपने कोई भी मनपसंद वेजी ग्रीन वेजीज ले सकते हैं स्टॉकिंग के लिए। और अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। ये हमने सॉल्ट डाल दिया। अब हम इसको थोड़ी देर बॉईल करेंगे, बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना है, थोड़ा सा बॉइल करेंगे कि सब्जियां थोड़ी सी कुक हो जाएं। बस ये देखिए इसको हम लो फ्लेम पर बॉइल करेंगे, ढक देंगे। ये देखिए इसको हम ढक देंगे। अब हम इसमें बॉइल कर लेंगे और इसको सब्जियों को बॉइल कर लेंगे। हाय गाइस, ये देखिए हमारी सब्जियां बॉइल्ड हो गई हैं। अब हम इसको ये देखिए अब हम इसमें ये जो हरी सेलरी है और ये मसाले हैं ये सब डाल लेंगे। ये देखिए गाइस, ये हम हरा धनिया, अरे सॉरी, ये हम हरा धनिया हरा प्याज भी डाल लेंगे। और ये हमने जो हरी सेलरी रखी है ये भी डाल देंगे। ये हमने इटालियन मसाला रखा है ये थोड़ा सा डाल लेंगे। ये देखिए आप अपना कोई भी फेवरेट मसाला यूज कर सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और ये पेपर है, ब्लैक पेपर है, ये डाल दें। चलिए अब हम जल्दी से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। और सॉल्ट और पेपर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और गाइस ये हमने कॉर्नफ्लोर रखा है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए आप जितनी थिकनेस चाहते हैं उतने ही कॉर्नफ्लोर लें। और एक फॉइल दे देंगे। ये देखिए हमारा सूप रेडी हो गया। अब हम इसको सर्व कर लेंगे।
गाइस आप चाहें तो इसमें कम भी ये डाल सकते हैं। और ये देखिए अब हम ये इसको ऐसे गार्निश कर देंगे। हरी सेलरी से और हरे प्याज ऑनियन से, हरे प्याज से। और ये देखिए हम थोड़ा सा पार्सले भी ले लेंगे। आप चाहें तो हरा धनिया भी ले सकते हैं। देखिए गैस ये हमारा स्वीट कॉर्न सूप टेस्टी चटपटा सा बन के रेडी हो गया है। गैस आप ये जरूर बनाएं। और मेरा ये वीडियो, मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और अपने फीडबैक देते रहें। फिर मैं मिलूंगी अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।